हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस हो तो 9 + 8 भागा 8 माइनस 4 गुणे 9 का मान हमको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है हम लिख लेते हैं, 9। फिर क्या दिया है, प्लस। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ गुणा है, तो 9 × 8 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है भागा, तो यहाँ पे भागा का अर्थ क्या है, प्लस है, ठीक है, प्लस 8। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, भागा फिर 4। और लास्ट में क्या दिया है, 4 × 9, यानी गुणे का अर्थ क्या है, माइनस, यानी 9 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम भाग करेंगे। 9 × 8 + 8 में 4 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, माइनस 9। अब क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे, तो 8 × 9 = 72 माइनस 9। फिर उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे, तो 72 और 2 = 74 हो गया। 74 में माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 74 में हम माइनस 9 करेंगे तो आएगा हमारा 65, ठीक है, 65 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा। अगला क्वेश्चन है, यदि P बराबर 6, J बराबर 4, L बराबर 8 और M बराबर 24, तो कौन सा नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह पर लेगा, ठीक है, हमको बताना है इसको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, गुणा नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो M का मान दिया है हमारा कितना, 24। फिर उसके बाद गुणे, J का मान हमारा दिया है 4। फिर उसके बाद भागा, फिर उसके बाद L का मान दिया है 8, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस और जे का मान फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर उसके बाद गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे 24 × 4 में हम 8 का भाग करेंगे, तो ऐसे लिख देंगे इसको। ये कितना कट जाएगा, हम इसको इसको काट देते हैं, तो 8 × 24 और 4 का 3 में गुणा होगा तो क्या होगा, 12 + 4, और इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा, आएगा 16। 16 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है, चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चित्र में हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा उसको हमको ज्ञात करना है। चलिए चेक करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे दिया है 4, 5, फिर 9 और 20, फिर यहाँ पे दिया है 6, 7, 13 और 42, उसी तरह यहाँ पे 7, 8, यहाँ 15 दिया है। यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, 5 और 4 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और अगर 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अगर वही हम 4 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 20 आएगा। यहाँ पे जोड़ के लिखा गया है और यहाँ पे गुणा करके लिखा गया है, उसी तरह इसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे 7 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, और 7 और 6 का गुणा करेंगे तो 7 × 6 = 42 आएगा। तो सेम हम उसमें भी, इसमें भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है कि 7 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब गुणा करेंगे, तो 7 और 8 का गुणा करेंगे तो 7 और 8 = 56 हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। पहला है, चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, हमको बताना है कि लुप्त संख्या यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, 2, 9 ? 7, 13, 6, 5, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि सामने सामने वाली जो संख्या है इनको जोड़ के देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो हम जैसे पहले हम 8 और 7 को जोड़ेंगे, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। इसी तरह 13 और 2 को जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, ये भी 15 आ रहा है। इसी तरह 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 + 6 को जोड़ेंगे तो भी 15 आ रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे ऐसी संख्या भरेंगे कि 5 में हम ऐसी संख्या जोड़ें कि उसका मान 15 आ जाए। तो 5 में हम कितना जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 5 में हम क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला है, यदि ए जमा बी घटा सी गुणा तथा डी भाग दर्शाता है तो 4a 3b 3a 2 किसके बराबर होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि 4a
थ्री बी थ्री ए टू, हमको इसको सॉल्व करना है। तो एक क्या दिया है, ए जमा यानी प्लस, तो चार प्लस तीन, बी घटा यानी तीन के बाद बी है तो माइनस थ्री, फिर ए का क्या है प्लस है और यहाँ पे टू, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्लस वाला है उसको हम जोड़ लेंगे, तो चार और तीन जोड़ेंगे तो कितना आएगा सात, माइनस तीन प्लस दो, ये भी प्लस, सात और दो नौ, माइनस तीन करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, यदि आसमान को काला कहा जाए, काला को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, नीला को जमीन कहा जाए, जमीन को लाल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी, ठीक है। क्या दिया है कि मछलियाँ कहाँ रहेंगी, तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं, मछलियाँ जल में रहती हैं। तो हम देखेंगे प्रश्न में कि क्या है, जल को क्या कहा जा रहा है, तो जल को हरा कहा जा रहा है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, तो जल को हरा कहा जा रहा है, और मछलियाँ कहाँ रहती हैं, जल में, तो यानी मछलियाँ कहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जल को क्या कह रहा है हरा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा हरा सही होगा। आगे देखते हैं, अगला है मनुष्य चलना मछली, क्वेश्चन मार्क हमको बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो हमारा ऑप्शन है तैरना, बी है खाना, सी है उड़ना और डी है दौड़ना, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है कि जैसे मनुष्य का, जैसे मनुष्य गमन करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको चलना कहते हैं। इसी तरह मछली अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी तो कैसे जाएगी, तैर के जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा, उसको हम तैरना कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिसमें राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही थी, श्याम किस दिशा में देख रहा था, ठीक है। क्या दिया है कि यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिसमें राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही थी, श्याम किस दिशा की ओर देख रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पूर्व पश्चिम, हम उसको बना लेते हैं, इधर होता है पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण होता है। तो क्या कह रहा है कि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, ठीक है, जिसमें राम की छाया श्याम की दाहिनी, तो श्याम की मान लीजिए कि हम यहाँ पे हम राम को बैठा देते हैं, ये हो गया, जैसे हम यहाँ पे तीर बना देते हैं कि राम उत्तर की ओर देख रहा है और श्याम है जो इधर देख रहा है, दक्षिण की ओर देख रहा है, ठीक है। और हमारा सूरज किधर से निकलता है, तो हमेशा पूर्व से निकलता है। और क्वेश्चन में दिया है कि राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ठीक है, हमने आमने सामने उनको खड़ा कर दिया, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, जिससे राम की छाया, जो ये राम की छाया है वो श्याम के दाहिने, तो श्याम का दाहिना कौन सा होगा, जब श्याम इधर देख रहा है तो इसका दाहिना इस साइड होगा, यानी राम का परछाई इधर बन रही है, ठीक है। तो फिर पूछा है कि श्याम किस दिशा की ओर देख रहा है, तो श्याम किधर देखेगा, श्याम इधर दक्षिण की ओर देख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, कौन सा आरेख दिए गए तीन वर्ग पति पत्नी तथा परिवार के बीच संबंध को सही तौर पर दर्शाता है, ठीक है, हमको बताना है कि परिवार, पति और पत्नी को कौन सा आरेख इसमें से दर्शा रहा है। तो हम देखते हैं क्या है कि परिवार, ठीक है, दिया है परिवार, परिवार के लिए हम बना लेते हैं, परिवार में क्या होता है कि पति भी रहता है और पत्नी भी रहता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। अगला है दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह पर सही संख्या चुने, ठीक है, हमको यहाँ बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पे होगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखा है पाँच, इकतालीस, एक सौ उनचास,
329, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से पाँच में हम कितना जोड़ेंगे कि 41 होगा, पाँच में हम कितना जोड़ेंगे कि 41 होगा, पाँच में हम क्या जोड़ेंगे, अगर 36 हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा, 41 होगा। इसी तरह इसको हम देख लेते हैं कि 41 में क्या जोड़ेंगे कि 149 होगा, कितना जोड़ेंगे, तो हम इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा, 108 आएगा, ठीक है। फिर उसी तरह हम आगे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा हमारा 180, ठीक है, 180 होगा। फिर अब इसके नीचे चेक करते हैं कि 36 में हम कितना जोड़े हैं कि 108 आया है, 36 में हम कितना जोड़े हैं, 36 में अगर हम 72 जोड़ देंगे तो 108 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह 108 में अगर हम 72 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 180, ठीक है। तो 180 में अगर हम 72 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमको आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या है 72 72 आगे बढ़ते जा जुड़ते जा रहा है, तो 180 में हम 72 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 180 में अगर हम 72 जोड़ेंगे तो प्लस 252 होगा, ठीक है, हम अगर इसमें 72 जोड़ेंगे तो 329 में अगर हम 252 जोड़ देंगे तो हमारी संख्या मिल जाएगी, 329 में अगर हम 252 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो हमारा आएगा 581, ठीक है, 581 हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, खाली स्थान को भरें, सी के जे एफ जी टी, सी के जे एफ जी टी को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे हमको भरना है। चलिए हम देखते हैं इसका संबंध इसमें क्या हो रहा है, क्या दिया है, सी और के, फिर उसके बाद जे एफ, ठीक है। सी का संबंध हम किससे करेंगे, जे से, और के का संबंध एफ से। इसमें क्या हो रहा है कि सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, जे हमारा कितने नंबर पे, 10 नंबर पे, तो इसमें क्या हो रहा है, प्लस 7 हो रहा है। उसी तरह के हमारा कितने नंबर पे आता है, और यफ हमारा कितने नंबर पे आता है, यफ आता है हमारा 6 नंबर पे, तो की के बाद यफ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे, जी और टी, जी में अगर हम +7 करेंगे तो कितना होगा, तो ये जी हमारा 7 नंबर पे आता है, और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 14 नंबर पे क्या आता है, तो यन आता है। इसी तरह टी, टी हमारा कितने नंबर पे आता है, तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है, और 20 में हम -5 करेंगे तो कितना आएगा, 15, 15 पे क्या आता है, ओ आता है। हमारा आंसर क्या हो गया, एन ओ, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। आगे देखते हैं, खाली स्थान भरो, ठीक है, लोलक की गति सरल आवर्त गति, घड़ी के हाथ, ठीक है, घड़ी के हाथ की गति होगा यहाँ पे, ठीक है, घड़ी यहाँ पे हाथ, ये सेंटेंस ही गलत लिखा हुआ है, हम इसको करेक्ट कर देते हैं, हाथ की घड़ी की गति, जैसे लोलक गति, लोलक की होती है जो गति क्या होती है, वो सरल आवर्त गति होती है, और उसी तरह जो हाथ की घड़ी होती है उसमें कौन सी गति होती है, उसमें होती है, उसमें हमारा वृत्तीय गति होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में गायब संख्या बताइए, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए, क्या है, यहाँ पे हमको भरना है कि क्या होगा, तो यहाँ पे पहले तो 4 खाने बनाए गए हैं, फिर उसमें संख्या दी हुई, तो हम पहले देखते हैं कि कैसे इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि बीच में 64 दिया है, फिर यहाँ पे 3 और 5 दिया है, 64 में हम क्या करेंगे, 3 और 5 का अगर योग करेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा, 3 और 5 क्या होगा, 8, और 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 64 आता है। इसी तरह हम इसमें चेक कर लेते हैं, 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा,
इसी तरह 4 और 2 6 6 का वर्ग करेंगे 36 होगा। इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो 6 और 4 कितना होगा 10 होगा, 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारा आएगा 100। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं अगला है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करें। पेन कवि सोई, ठीक है क्या दिया है, पेन से कवि क्या करता है लेखन का कार्य करता है, उसी तरह सोई से क्या करेगा, सोई से दर्जी कपड़ा सिलता है, ठीक है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं यदि विक्ट्री को वाई एल एफ डब्ल्यू आर यू बी के रूप में कोडबद्ध किया गया है तो सक्सेस को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा, चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है विक्ट्री क्या लिखा गया है वाई एल एफ डब्ल्यू आर यू बी, ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बी के बाद क्या हो रहा है वाई हो रहा है, ठीक है आई के बाद यल हो रहा है, सी का यफ से कोट किया गया है, टी का डब्ल्यू से और ओ का आर से, आर का यू से और वाई का बी से। बी हमारा कितने नंबर पे आता है, बी हमारा 20 नंबर पे आता है और सॉरी 22 नंबर पे आता है और वाई कितने नंबर पे आता है 25 नंबर पे। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 3+ हो रहा है, ठीक है यहाँ पे 3+ हो रहा है। उसी तरह आई हमारा कितने नंबर पे आता है, आई हमारा 9 नंबर पे आता है, आई के बाद क्या हो रहा है यल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे भी +3 हो रहा है, ठीक है 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना यल हमारा 12 नंबर पे आता है, वाई हमारा 25 नंबर पे आता है। इसी तरह सी 3 नंबर पे आता है और यफ कितने नंबर पे आता है 6 नंबर पे आता है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है। इसी तरह टी हमारा 20 नंबर पे आता है और डब्ल्यू 23 नंबर पे, तो यहाँ भी +3 हो रहा है। फिर ओ 15 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, तो कितना होगा ये यहाँ भी +3। इसी तरह आर को हम चेक करेंगे तो आर हमारा 18 नंबर पे और यू हमारा 21 नंबर पे, तो ये भी क्या हो रहा है यहाँ भी +3 हो रहा है, ठीक है तो इसी तरह +3 3 हो रहा है। तो हम इसी तरह सक्सेस को भी हम लिखेंगे इसकी कूट भाषा। यस हमारा क्या है, यस हमारा कितने नंबर पे आता है, यस हमारा 19 नंबर पे आता है, 19 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा, ठीक है 19 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 22, ठीक है 22 नंबर पे क्या आता है भी आता है। इसी तरह यू, यू हमारा 21 नंबर पे, 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 24 नंबर पे क्या आता है हमारा आएगा X, ठीक है। इसी तरह C, C हमारा 3 नंबर पे, 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा यफ आएगा, फिर इसी तरह यहाँ पे भी यफ होगा। इसी तरह E 5 नंबर पे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 यानी H। S कितने नंबर पे, S हमारा 19 नंबर पे, ठीक है 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भी आएगा, ये भी यस है तो यहाँ भी आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तो हमारा आ रहा है बी एक्स एफ एफ एच बी बी। हम इसमें चेक करेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा यहाँ पे क्या है बी एक्स एफ एफ एच बी बी, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है आगे देखते हैं। अगला है ए ए बी के पिता है, सी डी के पुत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सी ए का पौत्र है, ठीक है हमको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही होगा कि जिसमें जिससे ये पता चले कि सी ए का पौत्र है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि ए बी के पिता है, ठीक है हम यहाँ लिखते हैं ए, ए क्या है ये पिता है किसके बी के, ठीक है बी के पिता है। फिर क्या दिया है कि सी डी के पुत्र है, ठीक है
क्या दिया है, जो डी के, डी का पुत्र क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कथन द्वारा निष्कर्ष निकालिए कि इससे कि सी ए का पौत्र है, तो हमको कौन सा रिलेशन बनाना है कि जिससे जो सी का ए से संबंध क्या हो, यानी सी ए का पौत्र हो। ठीक है, तो इसका संबंध बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे कि सी बी की पत्नी है, सी है जो बी की पत्नी है, ये तो कभी होगा नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए को सी का पौत्र बनाने के लिए हम डी को ए का क्या बना देंगे, पुत्र बना देंगे। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया रहा है, बी डी की बहन है, बी है जो डी की बहन है, बी डी की बहन हो गई तो ये क्या होगा, और सी है जो डी का पुत्र है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डी का पिता हुआ ना, पिता पिता हुआ तो ये क्या होगा, ए का सी से क्या संबंध हो जाएगा, ये हो जाएगा पुत्र का, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बेमेल को चुनिए, चाचा और भतीजा, पिता और पुत्र, भाई और बहन, ससुर और दामाद। ठीक है, हमको इसमें से क्या बताना है कि भिन्न बताना है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, चाचा और भतीजा, बी है पिता और पुत्री, ठीक है, सी है भाई और बहन, और डी है ससुर और दामाद। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, बेमेल क्या होगा, तो इसमें होगा बेमेल हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाई और बहन। बेमेल कैसे होगा, चाचा और भतीजा क्या है, ये एक पीढ़ी के नहीं है, पिता और पुत्री ये भी एक पीढ़ी के नहीं है, देखिए भाई और बहन क्या है, एक ही पीढ़ी के हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं, खाली स्थान में सही अक्षर भरें। ठीक है, खाली स्थान में हमको बताना है कि सही अक्षर भरना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक करते हैं कि ए के बाद यहाँ पे बी हो रहा है, बी के बाद सी हो रहा है, सी के बाद डी हो रहा है, क्या हो रहा है, एक एक बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, डी के बाद ई आएगा, इसी तरह बी, बी के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, सी हो रहा है, सी के बाद यहाँ भी डी हो रहा है, डी के बाद ई हो रहा है, तो यहाँ पे भी अब क्या होगा, एक बढ़ेगा तो ई के बाद एफ होगा, इसी तरह जेड के बाद क्या हो रहा है, जेड के बाद वाई हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस वन हो रहा है, फिर वाई के बाद एक्स हो रहा है, एक्स स्क्वायर डब्ल्यू हो रहा है, और डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू के बाद आएगा भी, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ई एफ बी, ई एफ बी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिए हुए विकल्प में चिन्ह के दाईं ओर दूसरे जोड़े में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ठीक है, दूसरे जोड़े में हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो प्रकाश, किरण, आवाज, ठीक है, प्रकाश का संबंध किरण से है, उसी तरह हमको बताना है कि आवाज का क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है कि जिस प्रकार प्रकाश क्या है, एक किरण है, ठीक है, प्रकाश किरण है, तो उसी तरह आवाज को हम क्या बोलते हैं, तो आवाज को हम तरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखेंगे हम हिंदी का 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला है हमारा, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि सभा का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए है सम्मिलित, ऑप्शन बी है परिषद, ऑप्शन सी है बैठक, और ऑप्शन डी है महावर्तन। ठीक है, तो सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सम्मिलित। ठीक है, सम्मिलित मींस क्या होना, क्या होता है, सम्मिलित मींस होता है शामिल होना। ठीक है, सम्मिलित मींस क्या होता है, शामिल होना, जैसे, और परिषद मतलब परिषद का पर्यायवाची सभा होगा, और सॉरी सभा का पर्यायवाची परिषद होगा, बैठक भी होगा और महावर्तन भी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अगला है उपकृत, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश। ठीक है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश हमको बताना है, तो ऑप्शन ए है जिससे उपकार हुआ हो, ऑप्शन बी है जिसने उपकार किया हो, ऑप्शन सी है जो उपकार न मानता हो,
और ऑप्शन डी है जिस पर उपकार किया गया हो। तो उपकृत का सही वाक्यांश क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी, जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं, उपकृत कहते हैं। अगला देखते हैं हम, अगला है अलभ्य का विलोम शब्द है, ठीक है, अलभ्य का विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए है सुगम, ऑप्शन बी है सहज, ऑप्शन सी है सरल और ऑप्शन डी है सुलभ। तो अलभ्य का विलोम क्या होगा, अलभ्य का विलोम होगा सुलभ, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए, ठीक है, हमको बताना है कि तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजना है। तो ऑप्शन ए है घट घड़ा, ऑप्शन बी है राख रक्षा, ऑप्शन सी है धनिया धनिया और ऑप्शन डी है वटी बड़ी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें होगा तत्सम से तद्भव बने हुए शब्द युग्म को खोजना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, घट घड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं, पर्वत की चोटी पर पहुंचने में असफल रमेश ने अपनी ओर से डैश डैश प्रयास किया, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए है यथासंभव, ऑप्शन बी है यथाशीघ्र, ऑप्शन सी है यथामान्य और ऑप्शन डी है यथा योग्य। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पर्वत की चोटी पर पहुंचने में असफल रमेश ने अपनी ओर से क्या किया, तो यथासंभव प्रयास किया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, आगे निम्नलिखित में से कौन रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, हमको बताना है कि रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए है रजनी, ऑप्शन बी है विभावरी, ऑप्शन सी है समीर और ऑप्शन डी है निशी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, कौन रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी समीर। समीर समीर किसका पर्यायवाची है, समीर हवा का पर्यायवाची है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जहाँ अमानवीय वस्तु में मानवीय गुणों का आरोप हो वहाँ माना जाता है, जहाँ अमानवीय वस्तु में मानवीय गुणों का आरोप हो वहाँ माना जाता है। ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी है अर्थालंकार, ऑप्शन सी है दृष्टांत और ऑप्शन डी है मानवीकरण। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो जहाँ अमानवीय वस्तु में मानवीय गुण का आरोप हो वहाँ क्या कहते हैं हम, वहाँ मानवीकरण होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, हमको कौन बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ऑप्शन ए है राम ने पेट भर मिठाई खाई, ऑप्शन बी है राम ने पेट भर की मिठाई खाई और ऑप्शन सी है राम ने भर पेट मिठाई खाई और ऑप्शन डी है इनमें से सभी शुद्ध है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें होगा राम ने भर पेट मिठाई खाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, विरासत का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए है दे, ऑप्शन बी है प्रदे, ऑप्शन सी है दया और ऑप्शन डी है हाय। विरासत का पर्यायवाची क्या होगा हमको बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो विरासत का पर्यायवाची होगा दाय, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, अगला है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द, ठीक है, हमको बताना है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है आगत पतिका, ऑप्शन बी है प्रत्यस्त पतिका और ऑप्शन डी है प्रोषित पतिका और ऑप्शन डी है आगमिष्यत पतिका। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, अगला है हमारा निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए, ठीक है, हमको बताना है कि इसमें अशुद्ध वाक्य क्या है। ऑप्शन ए है पुस्तक मेज पर रखी है, ऑप्शन बी है कच्चे तेल की कीमत घट गया है, ठीक है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, ऑप्शन सी है यह मेरे सपनों का है और ऑप्शन डी है कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो इसमें होगा हमारा कच्चे तेल की कीमत घट गया है, यहाँ पे गया नहीं होगा गई होगा, तो ये क्या हो गया अशुद्ध वाक्य, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं,
अंडे का शहजादा का अर्थ है, ठीक है, हमको बताना है कि अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए है कमजोर व्यक्ति, ऑप्शन बी है चालाक व्यक्ति, ऑप्शन सी है अनुभवी व्यक्ति, और ऑप्शन डी है अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द का चयन करिए, ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है प्यास, ऑप्शन बी है प्रांगण, ऑप्शन सी है उद्वेग, और ऑप्शन डी है आश्रम। तो तद्भव इसमें कौन सा होगा, तो इसमें होगा तद्भव प्यास, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम, गौरव का विलोम शब्द है, ठीक है, हमको बताना है कि गौरव का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन ए है लागव, ऑप्शन बी है रव रव रव, और ऑप्शन सी है लज्जा, और ऑप्शन डी है अपमान। तो गौरव का विलोम क्या होगा, तो गौरव का विलोम होगा लागव, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम, दिए गए विकल्प में स्त्री लिंग शब्द कौन सा है, ठीक है, हमको बताना है कि इनमें स्त्रीलिंग कौन सा है। तो ऑप्शन ए है काया, ऑप्शन बी है चूल्हा, ऑप्शन सी है पुदीना, और ऑप्शन डी है भ्रमर। तो स्त्रीलिंग इसमें से कौन होगा, तो इसमें होगा काया हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं अगला है बधुर्मी शब्द का संधि विच्छेद, ठीक है, हमको बताना है कि बधुर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए है बधु धन उर्मी, ऑप्शन बी है बधु धन उर्मी, ठीक है, और ऑप्शन सी है वधु धन उर्मी, और ऑप्शन डी है बधु धन उर्मी। तो बधु बधुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, बधुर्मी का संधि विच्छेद होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये होता है व पे पड़ी की मात्रा होती है, उ में भी बड़ी उ होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं अगला है उच्च श्रृंखला शब्द का शुद्ध रूप है, ठीक है, हमको इसका शुद्ध रूप बताना है कि इसको हम कैसे वर्तनीय रूप से शुद्ध लिखते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन इसको हम कैसे शुद्ध लिखेंगे, तो उसको हम उच्च ठीक है, ऐसा क्या है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं उदात्त का विलोमार्थी शब्द है, उदात्त का विलोमार्थी शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए उदत्त, ऑप्शन बी है दानशील, ऑप्शन सी है अनुदात, और ऑप्शन डी है क्षमावान। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, उदात्त का विलोमार्थी क्या होगा, उदात का विलोमार्थी होगा हमारा अनुदात, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं उपटन शब्द का तत्सम रूप है, ठीक है, उपटन शब्द का हमको तत्सम रूप बताना है। तो ऑप्शन है ऊर्ध्वतम, ऑप्शन बी है उपलेपन, ऑप्शन सी है उपलेपन, और ऑप्शन डी है ऊर्ध्वर्तन। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, उपटन को उसका तत्सम रूप ऊपर डी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इन युग्मों में कौन सा सही नहीं है, ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए नीलोत्पल को कर्मधारय समास, ऑप्शन बी है दशानन बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी है राम लक्ष्मण अव्ययी भाव समास, और ऑप्शन डी है दिवा रात्रि द्वंद समास। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, हमको बताना है कि कौन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अगला है
मुंह की खाना, ठीक है। अगला है मुंह की खाना, हमारा ऑप्शन ए है भोजन खा लेना, ऑप्शन बी है भाग जाना, ऑप्शन सी है हार जाना और ऑप्शन डी है गिर जाना। मुंह की खा लेना का अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा हमारा हार जाना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम, चूरन किस प्रकार का शब्द है, ठीक है, हमको बताना है कि चूरन किस प्रकार का शब्द है। तो ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी है अर्ध तत्सम, ऑप्शन सी है देशज और ऑप्शन डी है तद्भव। तो चूरन क्या है? चूरन है हमारा तद्भव, ऑप्शन नंबर डी हमारा। चूरन का क्या होता है? चूर्ण होता है। अगला देखते हैं हम, यह कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो कवित्री लिखा है इसका हमको शुद्ध रूप बताना है कि कैसे इस कवित्री को शुद्ध रूप कवित्री का लिखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? कवित्री कैसे लिखा जाता है? कवित्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, अगला दिए गए विकल्प में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ठीक है, हमको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए बृष्टि, ऑप्शन बी है नृप, ऑप्शन सी है घाघरा और ऑप्शन डी है रात्रि। तो इसमें पुल्लिंग कौन सा होगा? तो इसमें पुल्लिंग होगा हमारा नंबर बी हमारा नृप। क्या है? पुल्लिंग है। नृप क्या होता है? यानी राजा, नृप को क्या बोलते हैं? राजा, ठीक है। ये देखते हैं, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है, ठीक है, छह ध्वनि का हमको उच्चारण स्थान बताना है। तो ऑप्शन ए है दंत्य, ऑप्शन बी है ओष्ठ, ऑप्शन सी है तालव्य और ऑप्शन डी है वत्सय। तो छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो इसका होगा हमारा तालव्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।